हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अडा। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जूलॉजी यूनिट थर्ड का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस, आज का क्वेश्चन है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की रचना व रासायनिक संरचना का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेचर ऑफ द क्रोमोसोम्स। गाइस, बहुत ही इजी है और मेरे ख्याल से 8th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, इम्पोर्टेंट है फॉर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। ओके, तो आ जाइए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई जो गुणसूत्र हैं, क्रोमोसोम्स हैं, वो पाए कहाँ जाते हैं। तो गाइस, जब किसी सेल का फिगर आप देखते हैं, किसी भी सेल का फिगर देखते हैं, तो उसके अंदर एक कोशिका यानी एक केंद्रक पाया जाता है, अर्थात एक सेल न्यूक्लियस पाया जाता है। अगर गाइस आप उसके अंदर, न्यूक्लियस आपका राउंड शेप में होता है, अगर आप उसके अंदर उसको बड़ा करके देखेंगे तो कुछ इस टाइप के लाइंस जैसी बहुत छोटे छोटे महीन धागे दिखाई देंगे। ठीक है, ये कौन है? ये क्रोमेटिन तंतु कहलाते हैं। जब सेल डिवीजन होता है, तब सेल डिवीजन के टाइम पर ये जो धागे हैं ना छोटे छोटे, ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं और वो छोटे छोटे पार्ट्स थोड़े से मोटे हो जाते हैं। ठीक है, अब मोटे होने के कारण वो साफ साफ दिखाई देने लगते हैं, तो इसको ही हम गुणसूत्र कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि भाई गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं और इसको क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद डिस्कस करेंगे कि भाई इसकी खोज किसने की। तो गुणसूत्र केंद्रक का एक बहुत ही आवश्यक अवयव है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। इसका सर्वप्रथम 1888 में वॉल्वियर ने किया था। यहाँ पर मैं आपको एक लाइन क्लियर करना चाहूंगी कि गाइस, 1875 में स्ट्रॉसवर्गर ने इसकी खोज की थी, बट 1888 में वॉल्डर ने इसकी नाम दिया था। नाम क्या दिया था? क्रोमोसोम। ठीक है, तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, अगर खोज में आपके पास स्ट्रॉसबर्गर नाम प्रेजेंट है, तो आप कभी भी वॉल्डर को टिक ना करें। अगर वॉल्डर ही दिया है तो आप वॉल्डर को टिक कर सकते हैं। उसके बाद आ जाइए वर्णा, तो संरचना आपको बतानी है। तो इसकी बनावट मेटाफेस स्टेज में सबसे अच्छी दिखाई देती है। यह निम्न भागों में बटा होता है, 4 से 5 भागों में बटा होता है आपका ये। ठीक है, तो ये आपके क्रोमोसोम होते हैं। अभी आप जानेंगे भाई क्रोमोसोम क्या होता है, और ये सेंट्रोमियर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए, ये फिगर आप बना देना है आपको, जिसमें पेलिकल, मैट्रिक्स, क्रोमोटाइट्स, सेंट्रोमियर सारी चीजें प्रेजेंट हैं। इसके बाद एक एक चीज के बारे में हम डिटेल से पढ़ लें यार। तो सबसे पहले आपका है पेलिकल यानी तंतुत्व। प्रत्येक क्रोमोसोम एक आवरण में लिपटा होता है, जो प्रोटीन तथा आरएनए का बना होता है, इसे पेलिकल कहते हैं। नेक्स्ट है जालक यानी मैट्रिक्स। तो जो ये वाली लाइन है ना आपकी, जो आउटर वाली, यही थी पेलिकल। इसके बाद आता है जालक, जो इसके अंदर लिक्विड भरा होता है। ठीक है, तो पेलिकल के भीतर एक लिसलिसा यानी जेली लाइक पदार्थ भरा होता है, लेकिन इसकी खोज के आधार पर यह माना गया है कि सब प्रकार इसमें ऐसी कोई भी संरचना नहीं पाई जाती। जो न्यू खोज हुई है उसमें ऐसा माना जा रहा है कि भाई ऐसी कोई भी संरचना इसमें प्रेजेंट नहीं होती। उसके बाद आता है क्रोमेटिड। क्रोमेटिड में क्रोमोसोम 2 सूत्राकार संरचनाओं का बना होता है, जिन्हें क्रोमोटाइट्स कहते हैं। ये दोनों क्रोमोटाइट्स आपस में एक बिंदु पर जुड़े होते हैं। कहाँ? एक बिंदु पर जुड़े होते हैं। अब कंस्ट्रक्शन कहते हैं, क्रोमोटाइट्स भी 2, 4 या फिर 8 फाइब्रिल्स के बने होते हैं। इन फाइब्रिल्स में ऐंठन या कूलिंग के कारण स्थान स्थान पर ये घने दिखाई देते हैं। ये सेंट्रोमियर, इन्हें सेंट्रोमियर कहते हैं। अब इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रोमियर या फिर प्राथमिक संकुचन। तो क्रोमोसोम में एक स्थान पर फीका या लाइट भाग होता है, जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। यह वह भाग होता है जहां पर कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल फाइबर्स आकार जोड़ते हैं, तथा यह क्रोमोसोम्स की को 2 भागों में बांटता है। कौन कौन से भागों में? क्रोमोसोम्स में सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर इनकी विभिन्न स्पेस और टाइप्स बन जाती हैं, जो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है मेटासेंट्रिक। जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स के लगभग बीच में होते हैं, तो वी आकार बनाते हैं। अब आप इस फिगर में क्लियर कर सकते हैं कि भाई ये सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर। ठीक है, अब ये है क्रोमोसोम आर। ठीक है, अब ये एक फिगर आपको दिया है जिसमें डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर्स दी हैं। ठीक है, कंट्रोलिंग शेप एंड क्रोमोसोम्स एट
एनाफेस। तो वी शेप आपको ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, बहुत ही इजी फिगर है और कभी भी जूलॉजी या बॉटनी में फिगर मिस मत करा कीजिए, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पर, एक्रोसेंट्रिक। इसमें सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स के एक किनारे पर स्थित होने से एक आर्म काफी बड़ा और एक आर्म काफी छोटा दिखाई देता है। उसके बाद है टेलोसेंट्रिक। तो ये सेंट्रोमियर बिल्कुल किनारे पर स्थित होता है, क्रोमोसोम में एक ही लंबा रोड शेप्ड आर्म दिखाई देता है। नेक्स्ट है सब मेटासेंट्रिक। जब इसमें सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के मध्य तथा किनारे के बीच होता है, अर्थात दोनों एंड्स, जो दोनों एंड्स होते हैं वो अनइक्वल एंड एल शेप्ड होते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ हमारा, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। तो यह प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अतिरिक्त क्रोमोसोम्स पर भी स्थान, क्रोमोसोम्स के पर भी किसी भी स्थान पर स्थित हो सकता है। यह भी क्रोमोसोम्स में नहीं पाया जाता, इसका मुख्य कारण न्यूक्लियस को बनाना होता है, इसीलिए ये न्यूक्लियर ऑर्गेनजल्स कहे गए, ऑर्गेन्स कहे गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सैटेलाइट बॉडीज। तो क्रोमोसोम्स का यह भाग ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन यानी न्यूक्लियर जोन के बाद का होता है, इसे सैटेलाइट बॉडी कहते हैं, इसे सेट क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में सेट क्रोमोसोम पूछ लिया जाए तो आप क्लियरली आंसर दे सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्रोमोसोम्स के दोनों सिरों पर टेलोमियर्स, जो क्रोमोसोम्स के दोनों किनारे होते हैं उन्हें टेलोमियर्स भी कहते हैं। इनकी एक विशेषता होती है कि ये कभी भी एक दूसरे के क्रोमोसोम्स को नहीं जोड़ते, ठीक है। गुणसूत्र की रासायनिक संगठन यानी केमिकल नेचर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम मुख्य रूप से न्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन्स का बना होता है, इसके लिए इसे न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहते हैं। अब न्यूक्लियो एसिड में डीएनए या फिर आरएनए दोनों ही होते हैं। उसके बाद आ जाइए गुणसूत्र की रासायनिक संगठन पर। तो केमिकल नेचर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम मुख्य रूप से न्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन्स का बना होता है, इसीलिए इसे न्यूक्लियो प्रोटीन्स भी कहते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड में डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियो एसिड तथा आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड दोनों ही होते हैं। गुणसूत्र में आरएनए की अपेक्षा डीएनए की मात्रा बहुत अधिक होती है और इसी के द्वारा पैतृक गुणों का वहन होता है। एंड नेक्स्ट है हमारा, इस प्रकार क्रोमोसोम्स में करीब 90% डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक प्रोटीन की मात्रा होती है और शेष अन्य पदार्थ यानी आरएनए आदि क्रोमोसोम्स में 45% डीएनए तथा 55% हिस्टोन प्रोटीन होता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए की जो मात्रा होती है वो 10% से भी कम होती है, अर्थात प्रोटीन की मात्रा डीएनए में अधिक होती है। क्या? प्रोटीन की मात्रा डीएनए में ज्यादा पाई जाती है। प्रोटीन्स क्रोमोसोम्स में पाई जाने वाली प्रोटीन्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, हिस्टोन तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। फर्स्ट है हमारी हिस्टोन प्रोटीन्स। इसकी मात्रा नॉन हिस्टोन प्रोटीन से 5 से 6 या फिर 5 से 6 गुना अधिक होती है। ये 5 प्रकार के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 तथा H4। इसमें से जो H2A है और H2B है वो 113 तथा H4 DNA मॉलिक्यूल्स के कोर पार्टिकल्स का निर्माण करते हैं तथा H1 लिंकर DNA कहलाता है, क्योंकि DNA में न्यूक्लियोसोम यूनिट्स में आपस में जुड़ने यानी लिंक करने का कार्य करता है। इस प्रकार इन हिस्टोन प्रोटीन्स का कार्य डीएनए की रचना में सहयोग करना होता है। हिस्टोन प्रोटीन का काम क्या होता है? डीएनए के जो संरचना हो रही है, निर्माण हो रहा है, उसमें सपोर्ट करना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका यहाँ से गाइज एक रेडी हो जाता है और फॉर एग्जांपल हिस्टोन प्रोटीन पर शॉर्ट नोट पूछ लिया जाए तो आप ये लिख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट नॉन हिस्टोन प्रोटीन। कुछ आपदाओं को छोड़कर इसकी मात्रा हिस्टोन से कम पाई जाती है। इसकी संख्या में 12 से 20 प्रकार तक होती है। यह माना जाता है कि ये कुछ विशेष जीन्स के कार्य को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। और गाइस सारे क्वेश्चन के आंसर के लिए यानी जूलॉजी के यूनिट 1st, 2nd, 3rd इन सभी के क्वेश्चन जितने भी रहते हैं उनके आंसर के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक मेंशन कर दूंगी, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में या फिर नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू सो मच।